बिहार सरकार के कर्मियों को भी मिलेगा 3% बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ। केंद्र की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वेतन में महंगाई भत्ता के तौर पर 3% अधिक राशि मिलेगी। पेंशन भोगियों को भी इसी दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। नमस्कार, संजीव समीर लाइव में आपका स्वागत है। केंद्र की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वेतन में महंगाई भत्ता के तौर पर 3% अधिक राशि मिलेगी। पेंशन भोगियों को भी इसी दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। वेतन और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने जुलाई में ही महंगाई राहत में 11% की बढ़ोतरी की थी। उस समय तक महंगाई भत्ते के रूप में 17% भुगतान किया जा रहा है। गुरुवार को हुई 3% बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी सेवकों को इस मद में 31% अधिक राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के फैसले को बिहार में लागू करने के लिए बिहार कैबिनेट अपनी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। दीपावली के पहले ये कर्मियों और पेंशन भागियों के लिए सौगात की तरह होगी। केंद्र की ओर से इससे पहले जुलाई में हुई महंगाई भत्ते की वृद्धि को बिहार में लागू कर दिया गया है। बढ़ी हुई राशि किस्तों में दी जा रही है। जुलाई की राशि का भुगतान अक्टूबर के वेतन एवं पेंशन में किया गया है। अगस्त महीने की राशि का भुगतान नवंबर के वेतन में किया जा रहा है। वहीं सितंबर के वेतन में उस महीने के लिए निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 21 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने की थी वृद्धि की घोषणा। मालूम हो कि दीपावली के पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। बीते 21 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मियों के डीए एवं पेंशन भागियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले से 47 लाख से अधिक कर्मचारी एवं करीब 69 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। जुलाई में सरकार ने 11% की बढ़ोतरी की थी। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। हम इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा विभाग की खबरों से अपडेट रखते हैं, इसलिए संजीव समीर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।